नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जाने बिजनेस में आज रहेगा कैसा दिन, हेल्थ का कैसा रहेगा हाल, किसी नौकरी और करियर को लेकर आज मिल सकती है खुशखबरी, पार्टनर के साथ आज कैसा बीतेगा आपका दिन। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आप जानते हैं 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, आज का पंचांग विक्रम संवत 2081। हिंदू पंचांग के अनुसार मास चैत्र है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और ऋतु वसंत ऋतु है। आज सप्तमी तिथि दोपहर 12:11 तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पुनर्वसु नक्षत्र रात में 3:33 तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आज सुकर्मा योग रात 11:09 तक रहेगा, इसके बाद तृतीय योग लग जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे रात 8:29 तक, इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा। आज चंद्रोदय सुबह 11:07 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से शुरू होकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। अब जानते हैं 15 अप्रैल 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातक, जैसा कि चंद्रमा मिथुन में रहता है, आप में से कुछ आज कुछ मानसिक और शारीरिक कुछ अनुभव कर सकते हैं। आपकी सभी योजनाएं सही चल रही हैं। आप सहजता से अपने आसपास के लोगों को घर पर और काम पर अपने संक्रामक आकर्षण और मुस्कान के साथ खुश रखते हैं। आप एक आराम से होने वाली स्थिति के कारण अधिक कुशल और उत्पादक हैं। आपके सहयोगी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि आपकी उत्पादकता आज भी किसी भी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एक अच्छा समय आपको प्रदान करती है। आज लव लाइफ के मामले में आपकी शादी का भविष्य सुनहरा दिख रहा है। अगर आप अकेले हैं या आपकी सगाई हो चुकी है तो कोशिश करें, आज आपका दिन बहुत अच्छा है, भाग्यशाली साबित हो सकता है। अगर आप लंबे समय से पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि आज आपकी खोज पूरी हो सकती है। आज इस मामले में निर्णय लेना आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यालय में आपसी परेशानी पैदा हो सकती है। आज आपको चल रही परेशानी को झेलना होगा, जिसने आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया है। घबराएं नहीं, क्योंकि ये रुकावटें अस्थाई हैं और जल्द ही पूरी हो जाएंगी। कार्यालय में रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं, लेकिन याद रखें कि आप इस बारे में अपने उच्च अधिकारियों को नहीं बता सकते। आज विदेश से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है तो आपकी इच्छा पूरी होगी, खुशखबरी मिलेगी, सितारे आपके पक्ष में हैं। हेल्थ के मामले में आज आप हाइपरटेंशन से निजात पा सकते हैं, क्योंकि टहलने के द्वारा आपकी वजन घटाने की कोशिश आपको सकारात्मक परिणाम की ओर ले जा रही है। यह आपको परेशानी से निजात दिलाने में मदद करेगी, बल्कि आपको तंदुरुस्त भी बनाएगी। रंग गुलाबी आज आपका भाग्यशाली रंग रहेगा। दोपहर 2 से 3 का समय आपके लिए कुछ नए प्रयास करने के लिए अच्छा समय रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, जैसे कि मिथुन राशि में चंद्रमा आज ठहरा हुआ है, कुछ नए महत्वपूर्ण संबंध आपकी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। ये एक रोमांटिक संबंध नहीं होगा, बल्कि एक दोस्ती का रिश्ता या फिर एक संरक्षक के बीच संबंध हो सकता है। आपकी जिंदगी में जो आपको मार्गदर्शन देगा, उस व्यक्ति का आज आपके जीवन में प्रवेश होगा। निश्चित तौर पर ये देखिए कि ये संबंध आपको कहाँ लेकर जाता है। अगर आप दूसरी शादी की तलाश में हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप इस बारे में निराश हो चुके थे, पर आज आपका पार्टनर कहीं से भी आपको मिल सकता है। वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो अकेला हो चुका है और आपके लिए शादी का प्रस्ताव रखना चाहता है। आज आप अपने कार्यालय में तनावपूर्ण माहौल पाएंगे। आप अपने आप को शांत रखें, वरना इसके कारण परेशानी आ सकती है। आज आपका सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आप शांति से काम करें और अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दें। अच्छा होगा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। आज किसी विदेशी से साझेदारी होने की संभावना है, ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। यदि आपने सही साझेदार चुना तो आपको लगेगा कि आपके व्यवसाय में आश्चर्यजनक रूप से तरक्की हो रही है, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये अच्छी तरह से जान समझ लें कि आपका साझेदार कौन बनने जा रहा है, उससे व्यवसाय के सभी नियम और शर्तें समझ लें, लेकिन समय ठीक है, आगे बढ़ें।
हेल्थ के मामले में आज आपको कसरत जरूर करनी चाहिए। दिल के मरीजों के लिए यही अच्छा होगा। ध्यान रहे, लगातार कसरत करने से आपका दिल अच्छा काम करेगा और आपको दिल की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल और दबाव को कम करने में भी मदद करता है। आज के लिए गुलाबी रंग आपका लकी कलर रहेगा। आपके लिए सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आकर्षण होगा। दोपहर 1:30 बजे से 2:20 तक का समय सभी काम को पूर्ण करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार आप अपनी भावनाओं के बहकावे में ना आए, इसकी बजाय आप समझदार और व्यवहारिक बने और विश्वास रखें। इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। ये समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों पक्षों में ही तर्क वितर्क का समय नहीं है। ये एक अस्थायी समय है जो बहुत ही जल्द बीत जाएगा। आज आपको संयम दिखाने की आवश्यकता है जिसके जरिए आपको शांति मिलेगी। लव लाइफ के मामले में जिससे आप शादी करना चाहते हैं, आज उसकी ओर से आपको सकारात्मक संकेत मिल सकता है। आप आज अपना भाग्य आजमा सकते हैं और शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। अगर अनुकूल उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो धीरज रखें और उसके लिए कोशिश करते रहें। आज आप पाएंगे कि आपको अपने काम के लिए अपनी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना होगा। शायद आपको नहीं पता कि आप कितने कलात्मक और प्रतिभाशाली हैं। नए विचारों का प्रयोग करने में बिल्कुल ना घबराएं क्योंकि शायद इन विचारों से आपका काम बन जाए। आर्थिक मामलों से जुड़े समाचार अच्छे ही होंगे। आज ये समय है कि आप अपनी आर्थिक योजना पर फिर से विचार करें और लंबे भविष्य के लिए बजट की व्यवस्था करें। ग्रह और नक्षत्र बता रहे हैं कि दूर के किसी व्यक्ति या संगठन से लाभ मिल सकता है। अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए हिचके नहीं, आपकी शुरुआत से भविष्य में अच्छा फायदा होगा। अगर आपको हेल्थ के मामले में ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई परेशानी है तो आज आप पाएंगे कि आपकी ये परेशानी काफी हद तक ठीक हो रही है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी मगर आपने अगर अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत आएगी। खान पान पर ध्यान देना है और कसरत अवश्य करनी है। गुलाबी रंग आज आपका मन शांत रखने में आपकी सहायता करेगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो 7:00 से 8:30 के बीच में ही करें। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है कर्क राशि के लिए आज का राशिफल। प्रिय कर्क राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के पारगमन के कारण आज आपकी मनोदशा खराब हो सकती है। सकारात्मक रहिए और नेगेटिव चीजों से बचिए। थोड़ा सा विराम लीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी में और आपके आसपास क्या चल रहा है। अपने साथ वक्त बिताने से और उन चीजों पर चिंतन करने से कुछ चीजों का नजरिया बदलेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपके लिए अनुमान लगाकर ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए आपके उद्देश्य में नवीनीकरण लाएगा और इसके कारण आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा। आखिरकार आप बिना किसी प्रवाह के चलते नहीं रह सकते, यही जीवन है। पार्टनर के बारे में ख्याल आज आपके मन में आपके प्रेम संबंधों को गर्मजोशी से भर देगा। अगर आप उसके प्रति आसक्त हैं तो ये मन में साफ कर लें कि आज आप क्या चाहते हैं और अगर आपका निर्णय हो जाए तो उसे सार्वजनिक किया जा सकता है। करियर के मामले में आज आप कलात्मकता से भरे रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे विचारों को जन्म देते हैं। इन विचारों पर अच्छी तरह से ध्यान दें और इनको वास्तविकता में बदलें। आप इन विचारों के बारे में पहले से ही अपने दोस्तों को बता सकते हैं लेकिन किसी भी अजनबी के सामने इन विचारों के बारे में जिक्र ना करें। विदेश से होने वाले लेन देन या साझे के काम से अच्छे लाभ के संकेत है। खासकर किसी विदेशी पार्टी से साझेदारी की सोच रहे हैं तो बातचीत के लिए यह बहुत ही बढ़िया समय है। कार्यक्रम में बदलाव भी करना पड़ सकता है क्योंकि इस दौरान उनके व्यवसाय में कोई नई प्रगति हो सकती है। हेल्थ के मामले में अनचाहा दबाव हमेशा से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाता आया है, इसलिए निराशा को दूर रखें और पौष्टिक आहार लें। हेल्थ से संबंधित टिप्स अपनाएं, उससे आप जल्द ही ठीक होंगे। आपके लिए आज लकी समय 2:15 बजे से 5:00 बजे तक का रहेगा। आपके लिए आज लकी कलर ग्रे रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल।
प्रिय सिंह राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आपको कोई निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि आपको यथासंभव निर्धारित और उत्पादक होने के तरीकों की खोज करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि लोग आपकी सीमाओं को लांघ रहे हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। हालांकि आज कोई भी निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा दिन नहीं हो सकता, लेकिन एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों की सलाह है कि आप अपनी कल्पना को जंगली चलने दें। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। अगर हाल ही में किसी दोस्त ने आपको प्रस्ताव दिया है, जल्दी ना करें और सोच समझकर अपना निर्णय लें। करियर के मामले में आज आप अपनी कलात्मकता व उपलब्धियों के लिए और अधिक पहचान पाना चाहते हैं। आज आपको लगेगा कि आपके संस्था में आपको उतनी पहचान नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। इस मुद्दे को अधिक ना बिगड़ने दें, बल्कि इस बात का ध्यान रखें कि आपके बॉस को पता हो कि आप कितना काम करते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में कहीं दूर से आर्थिक फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। विदेशी निवेश से आपको काफी फायदा आज हो सकता है। आप विदेशी पार्टियों से संपर्क बढ़ाइए, आज इससे फायदे दिखेंगे। हेल्थ के मामले में कोशिश करें कि आज आप दबाव में ना रहें, हो सकता है किसी चिड़ को लेकर टेंशन में आ जाएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है तो खुद को आराम देने की जरूरत है। मानसिक शांति भी आपको होनी चाहिए। आज सब्र एक ऐसी चाबी हो जो सब कुछ ठीक करने में आपकी मदद करे। दोपहर 2 से शाम 4 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। हरा रंग आज आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आज आपको पिछली समस्याओं का बेहतर समाधान आज मिल सकता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएंगे। लव लाइफ के मामले में अगर आप अकेले हैं तो आज किसी आश्चर्यजनक स्तोत्र से आपको प्रस्ताव मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए संकेत करता है कि आपको अपने किसी दोस्त से प्रस्ताव मिल सकता है। करियर के मामले में आज आपको अपनी जिंदगी सुधारने के लिए अपनी कलात्मकता को उभारना चाहिए। आपके पास बहुत सा अन्वेषित हुनर है जिसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और जिसके कारण आपके करियर में वृद्धि हो सकती है। अपने लंबे समय के लाभ के लिए अपनी कलात्मक हुनर को और संवारें। आर्थिक स्थिति के मामले में किसी विदेशी कंपनी से आपकी साझेदारी से आपको फायदा पहुंच रहा है। ये सही समय है कि आप अपने विदेशी ग्राहकों के साथ कोई बड़ा लेन देन करें। हेल्थ के मामले में जिन्हें दिल और रक्त संचार की बीमारी है, आज उनके लिए अच्छा दिन है। उन्हें अपने इलाज की वजह से सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। अब आपको आशा की किरण दिखाई देगी क्योंकि अब पुरानी बीमारियां ठीक होने लगी हैं। आज के दिन तले भुने खाने से दूर रहें। शाम 7 से 10 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। लकी कलर ग्रीन रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं तुला राशि की। तो प्रिय तुला राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा का पारगमन आपको आपके जीवन में क्या चल रहा है ये समझने का इशारा दे रहा है। जितना आपने पार्टियों का आनंद लिया है, उतना ही समय अब आपको काम को मेहनत से करने में लगाना होगा। सामाजिक कामों में कुछ व्यस्त हो सकते हैं, लापरवाही ना करें। निवेश संबंधी फैसलों को कल पर शिफ्ट कर दें। लव लाइफ के मामले में अगर आप पार्टनर के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज ना करें। अगर वो व्यक्ति आपका दोस्त या अपेक्षित है लेकिन आपका उतना निकट नहीं है तो निर्णय लेने से पहले दोबारा सोचें। करियर के मामले में आज आपकी अलग और रचनात्मक सोच आपके आसपास वालों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। आज आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे जो बहुत दिनों से किसी समस्या को हल करने के लिए लड़ रहे हैं। अपने रचनात्मक दिमाग का उपयोग करके आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे उनकी परेशानियां दूर करने में। आर्थिक स्थिति के मामले में अगर आप आयात निर्यात के बिजनेस में हैं तो आज का दिन बड़े काम का दिन है। व्यापार के नए नए प्रस्ताव आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। सभी विकल्पों को गौर से समझिए, जो अच्छा लगे उसमें आगे बढ़िए क्योंकि आज का दिन तो आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली रहेगा। हेल्थ के मामले में ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी आई है तो आज वो दिन है जब आपको इस समस्या से निजात पाने के लिए इसका हल ढूंढना चाहिए। आज वो दिन है जब आपको असुरक्षित खाने से दूर होना चाहिए, टेंशन कम करनी चाहिए। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार दोपहर 2:30 से शाम 4:45 तक का समय आपके लिए शुभ होगा। सौभाग्य के लिए बैंगनी रंग के कपड़े पहने। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान होने के कारण आज आप थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे। आपका ध्यान भटकेगा और आप
अपनों के साथ समय बिताना चाहेंगे। बीच बीच में ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन याद रखें कि आज का दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को रोककर ना रखें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि एक बार जब आप सभी मौज मस्ती कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण चीजों पर वापस लौटना सुनिश्चित करें। लव लाइफ के मामले में पारिवारिक स्तर पर आ रही अड़चनें आज दूर होंगी। आपकी पसंद के पार्टनर के साथ आपकी शादी को लेकर आपके परिवार वालों का विरोध आज थम जाएगा। करियर के मामले में अगर आप एक कलाकार या हस्तशिल्पी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आप पाएंगे कि आपकी कलात्मकता अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए आज आप बहुत बढ़िया विचारों को जन्म देंगे। अगर आप किसी संस्थान में काम करते हैं तो आपके उच्च अधिकारी किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी सराहना करेंगे। आर्थिक स्थिति के मामले में अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव या कुछ नया करना चाहते हैं, घूमने जाने की आप सोच रहे हैं, तो कोई अच्छा काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है या कोई आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको किसी नई जगह की यात्रा करनी पड़ सकती है और आपके लिए ये काफी अच्छा मौका रहेगा। हेल्थ के मामले में आज आप बचकर रहें, ज्यादा तनाव और टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें। आज के दिन आपका शुभ रंग हरा रहेगा। सबसे भाग्यशाली समय दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे का होगा। धन्यवाद। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातक मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप संतुष्ट और आनंदित महसूस कर पाएंगे। ऑफिस में शांत माहौल रहेगा। अपने सभी कार्य आप पूरे कर पाएंगे, अधूरी चीजें आज पूरी होंगी। लव लाइफ में अगर आज आप अपने प्रेम जीवन के बारे में अपने दोस्तों व परिवार वालों के बीच कुछ नई प्रगति का खुलासा करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि कुछ प्रतीक्षा करें, क्योंकि ये निर्णय आपका भविष्य बदल सकता है। करियर के मामले में अगर आज आप अपने ऑफिस में परेशानियों को हल करने के लिए नवीन विचारों का प्रयोग करें तो आपको बहुत लाभ होगा। ध्यान रखें कि कभी कभी छोटी छोटी सोच भी बड़े काम आती है। आर्थिक स्थिति के मामले में आप बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने अच्छे काम के लिए खुद को थोड़ा सम्मान दीजिए। बैंक से ज्यादा नहीं, कुछ पैसे निकालिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए। आपके लिए आज हेल्थ के मामले में आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है। रोज के काम में लगे रहें ताकि आपको टेंशन ना हो और आपका ध्यान जो है वो दूसरी चीजों में लगा रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है तो अच्छे चिकित्सक के पास जरूर जाएं। आज का शुभ समय दोपहर 2 से 3 का रहेगा। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना सही रहेगा। डार्क ब्लू कलर आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि की, तो प्रिय मकर राशि के जातक मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति आज आप में से कुछ लोगों को उत्साह में डाल सकती है। आप एक हसमुख मूड में हैं, इसलिए इन खुश पलों का अधिकतम लाभ उठाएं। हाल के दिनों में जिस तरह से जीवन में चीजें हुई उसने आपको बोर, निरस और नाराज महसूस कराया। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी इस दिन का पूरा उपयोग करने और उसे किसी प्रिय मित्र या परिवार के सदस्य के साथ बिताकर व आराम कर इसका आनंद लेने का सुझाव देते हैं। लव लाइफ के मामले में अकेले व्यक्ति जो अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति को प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, आज धीरज रखें। जल्दबाजी के बजाय उस व्यक्ति को और अच्छी तरह जान ले, परख ले। करियर के मामले में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ है। आपको अपने प्रोजेक्टों की देरी पर जो खींच हो रही थी उसका सही कारण आज समझ आएगा। आर्थिक स्थिति के मामले में लॉटरी पर दाव लगाना जारी रखें, क्योंकि आज आपको कहीं से अचानक धन मिलने के संकेत हैं। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ दें, बस आर्थिक लाभ के लिए हाथ पांव मारते रहें। हेल्थ के मामले में आप पाएंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण टेंशन आपको बढ़ रहा है, तनाव को काबू में रखने की कोशिश करें। ये वही समय है जब आप ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बहुत प्रभावित कर रहा है। अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें। आज के दिन दोपहर 2 से 3:30 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। गुलाबी रंग से आज आपको दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रिय कुंभ राशि के जातक मिथुन राशि में चंद्रमा के कारण आज आपको कोई नई चुनौतियां
मिल सकती हैं। आपको जीवन में किसी भी अवांछित स्थिति से बचने के लिए ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सतर्क रहें, इससे आपको गंभीर नुकसान हो सकता है। आपके जीवन में कोई दुर्घटना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आज कोई भी निर्णय लेने में सावधानी रखें। आज आपकी शादी के बारे में परिवार वालों या पार्टनर के परिवार वालों की तरफ से असहमति के कारण अड़चन आ सकती है। आप धीरज रखें और अगर इस रिश्ते को लेकर आप आश्वस्त हैं तो अपने परिवार वालों और दोस्तों को समझाने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करें। करियर के मामले में अपने व्यवसायिक सपनों को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। किसी भी नए व्यवसायिक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी अच्छी तरह से योजना बना लें। ये सही समय है इस बात पर ध्यान देने का कि आपका व्यवसाय कितना फैल रहा है। अगर आप अपने व्यवसाय को लेकर एक सही और अच्छी योजना बनाएं तो आपको लाभ अवश्य होगा। हालांकि आज व्यापार में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी, पर आपको इसका डर लगा रह सकता है। चिंता मत कीजिए, कोई अड़चन आई भी तो क्षणिक होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और भविष्य में आपको अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। आप मेहनत करते रहिए और आपके बजट लायक कोई अच्छा काम हाथ आए तो उसे पकड़ते भी रहिए। हेल्थ के मामले में जिन्हें भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है उन्हें आज तनाव को दूर रखना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए योग करें ताकि आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या कम हो जाए। आज के दिन आपका शुभ समय 2 बजे से 3 बजे का रहेगा। आपके लिए शुभ रंग हरा रहेगा। धन्यवाद। अब बारी आती है मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, आप अपने परिवार और दोस्तों के प्रति समान रूप से वफादार हैं और कठिन दिनों के काम के बाद उनके साथ आराम से समय बिताने का आनंद लेते हैं। चंद्रमा आज आपको अपने कुछ प्रियजनों या दोस्तों की याद दिलाएगा जिन्होंने अपना घर आपसे दूर स्थानांतरित कर लिया है। हालांकि आप बहुत भावुक नहीं हुए और आप भावुक होंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी पुराने समय में आप जाना चाहेंगे। कोई करीबी परिचित शिफ्ट होने की योजना बना रहा होगा और इससे आप परेशान हो सकते हैं। जो छात्र हैं उनके लिए आज मुश्किल दिन समाप्त होंगे। आप अक्सर अकेले रहना पसंद नहीं करते, इसलिए निश्चिंत रहें, आप फिर से अद्भुत दोस्त बनाएंगे। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने रोमांस को लेकर दुविधा में रहेंगे क्योंकि आपकी पसंद को लेकर आपके परिवार वालों और दोस्तों की सहमति नहीं होगी। उनकी बात जरूर सुने क्योंकि वे आपका भला ही सोचेंगे, पर अंततः अपने मन की आवाज सुने। करियर के मामले में अपने समय और योग्यताओं का उपयोग करने के लिए अपने आप को कुछ रचनात्मक काम में व्यस्त रखने की ये सही योजना आप आज बना सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप इस समय अपने कार्यालय में चुनौतियों को स्वीकार करें, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपके पास निवेश करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा है तो आपको निवेश के कई सारे विकल्प पर विचार करना चाहिए। लंबे समय के निवेश के ख्याल से संपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा। अपने व्यापार में भी अलग अलग योजना बनाकर उसमें निवेश करके आप लाभ उठा सकते हैं। आज सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर लें, कुछ ऐसे विकल्प सामने होंगे जो आपको पहले कभी नहीं दिखे थे। आज के दिन हेल्थ के मामले में योग करना आपको उत्साहित रखेगा। आपके लिए व्यायाम करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से लाभ मिलेगा। योग से मन और शरीर दोनों को शांति मिलेगी, इसलिए इस शांति का भरपूर लाभ उठाएं। सुबह 10 से 11 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर सिल्वर रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर, आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।